दो मैच खेले और 9 विकेट ले गया भाई वो, एक मैच में 5, एक में 4 विकेट ले गया वो। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इतना बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिस तरह की हरकतें थी ना भाई पाकिस्तानी टीम की अपने को तो भाई धक धक करे ला रहे बाबा, अपने समझ से बाहर है कि होगा क्या टीम में और होगा क्या इस मैच में। लेकिन भाई एज यूजल हम एक ही बात बोलेंगे, पाकिस्तानी टीम है इसका कोई भरोसा नहीं है, जीता हुआ हार जाती है और हारा हुआ मैच जीत जाती है। चाचा को भाई थोड़ी सी अकल दिला दो, फील्डिंग सिखा दो इनको, इनके हाथों से बॉल जा रही है, पता नहीं टिप्पे खा खा के हाथों में स्प्रिंग लेके आ गई है, इनसे ना बैटिंग हो पा रही है ना इनसे फील्डिंग हो रही है, समझ से बाहर है। हे व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अजान एंड यू आर वाचिंग ए टू जेड किंग। भैया बहुत ही बहुत ही बहुत ही मसले मसाइल चल रहे हैं यार वर्ल्ड कप में, इतने मसले मसाइल चल रहे हैं वर्ल्ड कप में यार, समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान यूएसए से हार गया, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया, अबे चल क्या रहा है ये, काहे चलने चलने काहे, समझ से बाहर है भाई हमारे, हो क्या रहा है। इतनी अलग अलग हरकतें देखने को मिल रही है, इतनी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है कि समझ से बाहर है इंसान क्या करे। एक तो ये गर्मी ने बैंड बजाई हुई है, ऊपर से ये मैच में ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। बताओ अबे अफगानिस्तान जीत गया यार न्यूजीलैंड से, 75 रन पे सारे आउट कर दिए, कमाल करता है यार फारूकी, फारूकी को पता नहीं क्या हो गया भाई, 2 मैच खेले और 9 विकेट ले गया भाई वो, एक मैच में 5, एक में 4 विकेट ले गया वो। जवान को पता नहीं भाई क्या खिला के क्या पिला के भेजा है इन्होंने, इस बार फुल बम बन के आया वो। और बात करेंगे यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिस तरह ये हरकतें थी ना भाई यूएसए वाले मैच में पाकिस्तान की, अपने को तो ऐसे धक धक करे ला रहे बाबा, अपने समझ से बाहर है कि होगा क्या टीम में और होगा क्या इस मैच में। लेकिन भाई एज यूजल हम एक ही बात बोलेंगे, पाकिस्तानी टीम है इसका कोई भरोसा नहीं है, जीता हुआ हार जाती है और हारा हुआ मैच जीत जाती है। लेकिन यार इतनी चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद हैं, तुम कब इस्तेमाल करोगे भाई। इमाद वसीम को बिठा दिया यार, इमाद वसीम को तो खिलाओ कम अज़ कम, अबरार अहमद तुम्हारे पास चल रहा है, अबरार अहमद को स्पिन बोल तो कराओ, तुम्हें अकल नहीं आके दे रही है यार। इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम पता नहीं कब इस्तेमाल करोगे, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा जब इस्तेमाल करोगे क्या। अबे इंडिया से मैच है भाई, थोड़े अकल के नाखून ले लेना और अकल से काम करना कि करना क्या है। आमिर भाई आपसे एक गुजारिश है यार, दिखा दो यार अपनी क्लास दिखा दो भाई, बहुत इंतज़ार करा है आपका यार, कमबैक किया तुमने, हम यकीन करोगे सिर्फ तुम्हारी खातिर समझ लो कि मैच देखेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए यार आमिर बहुत ख़तरनाक है। शुरू से ही हमने देखा है कि आमिर इंडिया के लिए ख़तरनाक रहा है और ख़ास तौर पर कोहली और रोहित शर्मा के लिए। तो कल जो मुकाबला होने वाला है, क्या उसमें भी आमिर फंसाएगा इन दोनों को, इन दोनों को अटकाएगा, देखना ये होगा कि यार आमिर कल क्या करता है। इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं इस वर्ल्ड कप में, स्टार्ट होते ही इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए और रंग में भंग डाला है अफगानिस्तान ने। अबे भाई क्या परफॉर्मेंस दे रही है टीम यार, इतनी ख़तरनाक परफॉर्मेंस दे रही है, बेहतरीन चल रही है यार। एक हमारे पाकिस्तानी है यार, इनसे इतनी तवक्कोआत होती हैं, इनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन यार सब धरा का धरा रह जाता है। और कैप्टन के लिए भाई मैं ये अल्फाज दूंगा कि अकल से काम लेना है इंडिया के खिलाफ, ख़ास तौर पे अकल से काम लेना, कब किसको कहाँ क्यों यूज़ करना है इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी अल्लाह मालिक है यार, दिल से सपोर्ट करते हैं तुम्हें तो, तुम तो जानी हो अपने। चाचा को भाई थोड़ी सी अकल दिला दो, फील्डिंग सिखा दो इनको, इनके हाथों से बॉल जा रही है, पता नहीं टिप्पे खा खा के हाथों में स्प्रिंग लेके आ गई है, इनसे ना बैटिंग हो पा रही है ना इनसे फील्डिंग हो रही है, समझ से बाहर है। चाचा तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़े मैच में वर्ल्ड कप खेलने आए हो, गली का मैच नहीं खेल रहे भाई, क्या हो गया तुम्हें, कमाल कर दो यार। ये चाचू ने तो हर चीज़ को मजाक लिया हुआ भाई, ये इनका काम है आना कुछ रन बनाना उसके बाद चले जाना। भाई दिल से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की टीम को और करना भी हमें है। देखो हर कोई बुरा भला बोलता है, लेकिन देखो कीड़ा भी होता है, हर कोई बुरा भला तो बोलेगा लेकिन सबको यही पता घूम फिर के आना पाकिस्तान के पास ही है, देखना फिर भी है मैच, बुरा भला भी बोलेंगे और देखेंगे फिर भी। अबे भाई बुरा लग रहा तो बंद कर दो, देखते क्यों, मोहब्बत है ना इसका मतलब, तो यार जब इतनी मोहब्बत है तो तुम भी कुछ मोहब्बत दिखाओ, इस मैच को लेके आओ, इस इवेंट को लेके आओ, तो इंतज़ार रहेगा इस जीत का, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए यार इंडिया के खिलाफ। लेकिन देखो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यार बहुत सीनियर बंदे खेल रहे हैं, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कड़क बंदे हैं उसमें नो डाउट, और पाकिस्तान में भी अच्छी च्वाइस है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो, वक्त पे सही जगह सही तरह से इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। इनके पास जितनी च्वाइसेस है ना, यकीन करो कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा इस मेगा इवेंट का भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हु विल विन टमोरो भाई, कमेंट मुझे लाजमी दे देना आपका दिमाग क्या कहता है। हम तो पाकिस्तान के हक में हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं,
इंडिया भी अच्छी टीम है, बहुत टफ टाइम देती है और अच्छे अच्छे खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं। लेकिन यार देखो, सबकी एक फेवरेट टीम होती है ना, हमारी पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारी शान है, तो भाई हम सपोर्ट करते पाकिस्तान को। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हाल हो, देखो बुरा भला भी बोलेंगे लेकिन सपोर्ट भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार रखो, सपोर्ट रखो। अल्लाह हाफिज़।